हेलो वेलकम गाइस, तो स्वागत है आप सभी के एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप जितने चाहे उतने विकेट इजीली कैसे निकाल सकते हो। रियल क्रिकेट 22 के अंदर टेस्ट क्रिकेट में विकेट निकालना सबसे मुश्किल है, पर ये वीडियो देखने के बाद आपको विकेट निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा आराम से विकेट निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कमाल की ट्रिक है। इसके हेल्प से आप बहुत सारे विकेट बड़े आराम से और ईजिली निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको फील्ड सेट कर देनी होगी। तो फील्ड आपको कैसे सेट करनी होगी मैं आपको दिखाता हूँ, जल्दी से सब कुछ आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारे सामने एक फील्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाउंड्री लाइन फील्डर की। तो बाउंड्री लाइन पर एक ही फील्डर होगा, वो होगा लेग साइड पर। जिस तरह से मैंने सेट किया इसको यहीं पर रखना है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं रखना है। उसके बाद में ऑफ साइड फील्ड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं दो फील्डर है और एक फील्डर स्लिप में है। तो जो आपको बॉलर के पीछे जो फील्डर है चाहे तो आप उसको चेंज कर सकते हो, थोड़ा आगे ले सकते हो अगर सिचुएशन वैसी बनती है तो। उसके बाद में हम लेग साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट साइड में लेग गली और दो फील्डर बॉलर के बगल में और दो फील्डर पीछे इस तरह से डिफेंड करने के लिए होंगे। जिस तरह से मैंने सेट किया इसी तरह से आपको सेट कर देना। अगर ये फील्ड आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मांग सकते हो। तो कैसे आपको एकदम ध्यान से अभी समझना होगा। तो देखो मैंने गेंद कैसे की, सामने गेंद की ओर फुल स्पिन करवा दी अंदर की ओर, जो कि डेविड वार्नर है। यहाँ पर गेंद हमने किए और यहाँ पर जाके लगी पैरों पर और यहाँ पर अपील किए, तो इसके बाद में विकेट हमें मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो कैसे आपको हर गेंद पर विकेट मिलना आरसी 22 के अंदर पॉसिबल नहीं है, पर आपको विकेट कैसे निकालनी है आपको हर गेंद पे विकेट मिलना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनका कस्टमाइजेशन ही कुछ इस तरह से कि आपको हर गेंद पर विकेट नहीं मिल सकती। पर आपको ज़्यादातर विकेट कैसे मिलेगी वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखा रहा हूँ। तो कैसे आपको देखो एक विकेट तो यहाँ पर हमने ऐसे निकाल ली, पर कैसे आपको इसको कैसे कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक विकेट में लेकिन इसे काम नहीं जमेगा, उसके बाद में आपको मार पड़ेगी। तो ठीक है मैं आपको आराम से समझाता हूँ। एक बार फिर से मैं आपको एक और विकेट लेके दिखाता हूँ उसी तरह की गेंद पर। देखो मैंने उसी तरह की गेंद कर दी, ऑफ स्पिन करवा दी और फुल स्पिन करवा देनी, और देखो उसी तरह की सेम गेंद है। अभी देखते हैं अभी किस तरह से विकेट मिलेगी। पिछले दाएँ में हमें LPW से मिली थी और इस बार भैया सीधा डंडाई उड़ा दिया, भैया डंडाई उड़ा दिया, टेंशन की बात नहीं। यहाँ पर आपके एकदम आराम से विकेट मिलेगी, आपको इसी तरह से गेंद कर देनी। ये तो लेफ्टी की बात होगी भैया, लेफ्टी को तो हमें बड़े आराम से विकेट मिल रही है, ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा, एकदम आराम से यही गेंद आप करोगे। आपको उसी एरिया में गेंद करनी जिस तरह से मैं उस एरिया में कर रहा था। एक और विकेट आपको लेके दिखा दो, ठीक है तो मैं एक और विकेट आपको लेके दिखा दो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद में हम देखते देखो एक और विकेट यहाँ पे इस फील्डर के हाथ में मारा इस बार और आराम से विकेट निकल गई। तो आपको इसी तरह की गेंद लगातार करती रहनी, क्योंकि आपको विकेट तो विकेट नहीं मिल सकती, हर गेंद पर विकेट तो मिलना पॉसिबल नहीं, पर आप लगातार इसी तरह की गेंद करते रहोगे तो आपको एक दो ओवर के अंदर तो विकेट मिलेगी। तो अभी बात करते हैं हम राइट हैंडर बैट्समैन की। तो यहाँ पे देखो सीधी गेंद करनी है, टॉप स्पिन करवानी है, उसके बाद में यहाँ पर भी आपको हर गेंद पर विकेट नहीं मिलेगी, पर आपको रन भी नहीं पड़ेगी, आपको थोड़ा बीट होगा। एक बार फिर से अभी देखो, फिर से मैंने टॉप स्पिन करवाई है और सामने गेंद की, और अभी देखो यहाँ पे क्या विकेट मिलेगी इस बार हमें। तो इस बार गेंद किया और भैया ओवर कैच उड़ के कैच ले लिया और विकेट आराम से मिल गई, एकदम आराम से विकेट मिलेगी आपको टॉप स्पिन करवानी इसी तरह से। तो इस वाली गेंद के लिए मैंने एक फुल वीडियो बनाई थी, राइट हैंडर को कैसे आउट करें वो भी आपने नहीं देखी तो वो जाके देख लो। इसी वाली गेंद को आपको कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, वहाँ पर जाके देख लेना और आप वहाँ पर जाके सीख जाना और आराम से विकेट निकालते रहना। तो गाइस देखो एक बार फिर से बीट हो गया था, पर हमारा फील्डर है जो कि कैच नहीं पकड़ पाया। तो गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू थे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।